क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे तुम? मतलब क्या दिखता? काम कर रहा था और क्या कर रहा था? काम कर रहे थे या काम बढ़ा रहे थे तुम? काम बढ़ा नहीं रहा था, काम कर रहा था और तुम्हारे लिए काम बचा रहा था। आई बड़ी एक तो लेट आ रही हो, ऊपर से मुझ पे चढ़ रही हो। लेट लतीफ, इतनी सिंसियरिटी कहाँ तुम्हारी? सिंसियरिटी कहाँ है तुम्हारी? कहाँ है प्रोफेशनलिज्म तुम्हारा? करती क्या हो तुम? तुम चीजों के साथ हमेशा टाइम पे जाते हो क्या ऑफिस? हाँ बता, बोल। मैं नहीं दे रहा जवाब। अरे बस 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 करो तुम दोनों। अभी बताइए नेहा। अरे दादी, अरे कुड़िया पैर नहीं छू दिया जिंदी रहो। बताया ना एक बार, बेटियां पैर नहीं छूती, जीती रहे। हाय आयुष। नेहा हाय। अंडरस्टैंडिंग ना, आयुष के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम तू ही बिताना, समझी? वरना वो शालू ज्यादा मिक्सिंग हो जाएगी ना आयुष के साथ, तो फिर तेरा पत्ता कट हो जाएगा। इम्पॉसिबल, एक बहन ने तो ऑलरेडी मेरा पत्ता कट कर चुकी है, ऋषि को मुझसे छीन लिया, दूसरी बहन को मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। हाय, बिल्कुल बिल्कुल मुझ पे गई है। ऐसा ही करना, समझी? और हाँ, कोई ऐसा काम मत करना जिसपे तुझ पे ना कोई फिंगर अप करे। फिंगर अप? अरे मतलब उंगली उठाने वाले काम मत करना, माइंडलेस लड़की, अंग्रेजी नहीं आती क्या है? चलो नेहा, नेहा चलो जल्दी चलो वरना लेट हो जाएगा। हाँ तुम रेडी हो ना? बानी तू भी आती ना तो अच्छा होता। अच्छा तो बहुत कुछ होता अगर मैं करने पे आती तो, पर किया मैंने नहीं ना। तू अकेले ना पड़े इसलिए मैं नेहा को भेज रही हूँ तेरे साथ। पर नहीं, तुझे तो वही करना है जो तू करना चाहती है, तो फिकर ले जा बानी को, नेहा को रहने दे यहाँ पर। और वैसे भी वो घर तो तेरी बहन का है ना, तो तेरी ही चलेगी, हम होते ही कौन है। ठीक है नेहा, तू रहने दे, बानी जाएगी शालू के साथ। व्हाट? एक तरफ तो मॉम मुझे सिखा रही है वहाँ आयुष को कैसे फंसाऊं, और अभी मुझे ही जाने से रोक रही है। अरे लिसनिंग नॉट, बोला ना मैंने बानी जाएगी शालू के साथ, तू गो। नहीं नहीं चाची, कोई बात नहीं, मैं नहीं जाती। नेहा तुम चली जाओ, कोई बात बानी। लेकिन शालू ठीक है ना, नेहा भी तो बहन ही है, लक्ष्मी दी भी होती तो यही करती। ठीक है अब तू इतना कह रही है तो नेहा जाएगी शालू के साथ। चाची हम तीनों ही चले जाते ना, बानी अकेली क्या ही करेगी घर पे, प्रधानमंत्री से मीटिंग है ना उसकी, देश कैसे चलाना इस पर चर्चा करेगी। चाची हम जल्दी वापस आ जाएंगे। नहीं मैं अकेले कैसे रहूंगी, मीनिंग बानी रहेगी यहाँ पे मेरे साथ, वैसे भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, ये मेरी हेल्प कर देगी, है ना बानी? हाँ शालू तू जाना, तुझे लेट नहीं हो रहा क्या? मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, तू वहाँ संभाल लेना, अब जा। हाँ गो। मैं जा रही हूँ, तू अपना ख्याल रखना, होमवर्क करना, ठीक है? जाब भाई चलो। और हाँ सुन, वहां पे जाके अपना काम शुरू कर देना, बैठी मत रहना महारानियों की तरह, अंडरस्टैंडिंग? पूजा घर और मंदिर तो हम लोग देख लेंगे, क्योंकि तू सब कुछ करेगी तो फिर बहुत लेट हो जाएगा ना, तो तू बस एक बार हॉल देख ले, वो देख ले कैसे सजाना है, ठीक है? ठीक है। हाँ पुत्र, और ऐसा सजाना कि इसके दादाजी को ना दुनिया हमेशा याद रखे। जी मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश क्या होता है भाई, कोशिश नहीं करनी है, पूरी जान लगा देनी है शालू, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो टेल मी। आयुष हेल्प तुम्हारी, मुझे ना काम करना है, काम बिगाड़ना नहीं है। शालू कौन बिगाड़, ये एटीट्यूड दिखा रही है ऋषि भाई। तुम जाओ, तुम अपना काम करो। अपना काम करो? हाँ करो ना, और मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, तुम्हारे हेल्प के लिए तो मैं आई हूँ आयुष। बोलो मुझे क्या करना है? तुम आयुष एक काम कर, नेहा को लेके जाओ, डेकोरेशंस का सारा सामान खरीद ले। ओके। शालू की हेल्प करने के। What? हाँ तुम दोनों मिलके शालू की हेल्प करोगे, और जरूरत पड़े तो बाकी के सर्वेंट्स को भी बुला लेना। ओके क्या? ये देखो फिर एटीट्यूड दिखा रही है मेरे को, ये मेरे को एटीट्यूड। मैं दिखाऊं तुझे एटीट्यूड? नहीं। हाँ दिखाऊं उससे पहले जा, चल। ओके आओ नेहा। शालू मुझे एक बात बताना, ये जो ग्रीन वाले पत्ते हैं ये येलो फ्लावर्स के साथ जाएंगे? ग्रीन वाला मैच नहीं होगा, तू ना ऑरेंज लगा। ठीक है, नहीं वो मैं करती हूँ, तू पहले हॉल देख ले, तू सोच ले तुझे क्या करना है, ठीक है? अच्छे से ये सब तो हम कर लेंगे। चलो सामान भी लाना है बाकी का, आ जाओ। हाँ, दादी आ जाओ अभी। मैं जरा वॉशरूम होके आती हूँ। आ जाओ आ जाओ बॉयज, कम मेरे चीतो, लाइन से खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे लो भाई,
इकट्ठी कर ली बारात मैंने। हुकुम। सबसे पहले तो तमीज से बात करो और अब सुनो क्या करना है। फॉलो मी, आइए। सुनना है कि आओ नया आज वॉइस कि मैं गई होती बलविंदर से बात करने। मैं जानती हूँ कि मैं उससे कुछ भी करवा सकती हूँ, लेकिन दुर्गा देवी कि मुझ पर नजर रखे ये भी जानती हूँ मैं। इसे शक है मुझ पर। आई नो इट वेरी वेल। सो अच्छा ही हुआ, अच्छा है कि मोम गई उससे बात करने। आई नो ये प्लान थोड़ा ज्यादा डेंजरस है, आई मीन कुछ ज्यादा ही, लेकिन वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सो लक्ष्मी का तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए दोनों है, लव भी और वॉर भी। आई जस्ट विश कि मेरा प्लान काम कर जाए। भगवान जाने कि परंदर काम करेगा भी या नहीं करेगा। और मॉम को भी देखो, फोन पे कुछ नहीं बताया, बोली कि यहाँ आके बताएंगे, और मैं इतनी स्ट्रेस घूम रही हूँ अभी तक आई नहीं है। मॉम ना इन्हें मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है। मुझे मजा आता है। मलिष्का यही सुनना बाकी रह गया था कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ, अपनी बेटी को परेशान करती हूँ जिसके लिए मैं खुद परेशान रहती हूँ। अरे आप प्लीज ये सब इतना लिटरली मत तो मॉम, मैं स्ट्रेस हूँ क्योंकि आपने मुझे फोन पे कुछ नहीं बताया। सो जस्ट लीव ऑल दैट। आप मुझे बताओ ना कि प्लीज ये आप बलविंदर से मिली थी ना, वो मानेगा, वो करेगा या नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा मलिष्का, मैं गई थी उसके पास, वो क्या उसका बाप भी करेगा, हाँ कह दिया उसने। श्योरली, थैंक यू, थैंक यू सो मच मॉम, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। बट तुम क्या कर रही हो मलिष्का, तुम इस घर में ही हो ना, तुम्हें पता है क्या हो रहा है बाहर? क्या हो रहा है बाहर? जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। वो लक्ष्मी तुम्हारे ऋषि के साथ रोमांस कर रही है, वो भी खुलेआम। गॉड, मैं तो बता भी नहीं सकती तुम्हें। आई नो, मैंने भी ऐसे ऐसे नजारे देखे हैं ना मॉम, आई कांट इवन टेल यू। लेकिन ये लक्ष्मी है ना, ये है ही ऐसी लड़की, लड़की होने का ना फायदा उठा रही है, और अभी पूजा के बहाने जा रही होगी करीब ऋषि के। देन यू गो ना, कुछ करो जाके। मैं क्यों जाऊं मैं, ताकि ऋषि मेरी दोबारा बेइज्जती करे, मुझे धक्का मारे, और इस बार लक्ष्मी के सामने और पूरे घर वालों के सामने मुझे धक्का मारे, इसलिए जाऊं मैं? नो मॉम, अब जब तक ये लक्ष्मी का जादू ना ये ऋषि के सर से नहीं उतरता, ऋषि मेरे करीब नहीं आ सकता। और करीब आना तो बहुत दूर की बात है, अब वो मुझे उस तरीके से देख भी नहीं सकता जैसे पहले देखता था। तो वही जादू तुम्हें चलाना होगा मलिष्का, और मेरी बात ध्यान से सुन लो, लक्ष्मी ऋषि की लाइफ में रहे या ना रहे, तुम्हें ऋषि की जिंदगी में रहना है, वरना ऐसा ना हो कि लक्ष्मी कल को उसकी लाइफ से चले जाए लेकिन वो तुम्हारे फिर भी करीब ना आए। क्या आप मुझे इतनी गई गुजरा नाकारा समझती हो? ऐसा नहीं होगा मॉम, एक बार ये लक्ष्मी आउट हो जाए, उसे छुटकारा मिले ना ऋषि को,